जितने भी हमारे क्या नाम है सरकारी महकमे थे सारे प्राइवेट करते जा रहे हैं। आम आदमी गरीब आदमी का क्या होगा? ये देखिए बाबा साहब ने गरीबों के लिए जो एससी एसटी के लिए एक रिजर्वेशन का उन्होंने बनाया था वो दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। नौकरियां तो हैं लेकिन उन्हें प्राइवेट किया जा रहा है तो गरीब आदमी का क्या होगा? किसान क्या कर रहे हैं? किसान यहाँ पे आके बम गोले फेंक देंगे, वो आतंकवादी हैं, उनके ऊपर सुबह से पहले आंसू गैस यूज कर दी गई है, सारे बॉर्डर सील कर दिए गए। क्यों? क्या किसानों को या दूसरी स्टेट्स के लोगों को दिल्ली में आने का अधिकार नहीं है? वो जंतर मंतर पर बैठकर अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं कर सकते? उन्हें करना चाहिए ना, वो करना चाहते हैं। जब ये देखो अमेरिका जैसे जापान जैसे देशों में ईवीएम से वोटिंग नहीं होती है तो भारत में भी तो चेंज करें, वो क्यों नहीं कर रही हैं? ये देखिए मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन कैसे भी हैक कर सकते हैं। जब ये देखे कि हम ऊपर चांद पे गए हुए आदमी से भी बात कर सकते हैं, ये तो एक मशीन है, आप मशीन को हैक नहीं कर सकते। लेकिन चुनाव आयोग तो चैलेंज दे रहा है कि हैक। अरे चुनाव आयोग भी बीजेपी के ही है सर, वो मुंह पे चुप्पी बांधे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। आप मुझे बताइए कोविड का जितना डर मार्च में जितना हुआ इन्होंने मार्च में बनाया था उससे ज्यादा कोविड अभी है ना, एंड वी आर स्टिल हियर। उस टाइम पे सबको लॉक कर दिया गया था, 500 उस टाइम पे सबको लॉक कर दिया था। आज पेशेंट्स की कंडीशंस भी खराब है, हॉस्पिटल की कंडीशंस खराब है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। आज है दुनिया को डरा दिया गया है। अपनी जान का तो डर होता है ना इंसान को, वो डर इंसान को रोके रखा हुआ है, अदरवाइज नथिंग। सर किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे गिर जाएगी ये सरकार, किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी। ऐसी बात नहीं है, जिस टाइम इन्होंने वोट दिया होगा तो ये भी उम्मीद करके वोट दिया होगा कि मोदी जी विल बी डू वेरी गुड, बट ऐसा नहीं हुआ मेरी नॉलेज में। तो आप बता रहे हैं बंद हो गई है, मैं कह रही हूँ चली कब है? नहीं चली थी एक महीना के लिए। ओ सर तो नहीं देखे थे। आप मुझे एक बात बताइए, ट्रेन का प्राइवेटिज्म होने के बाद गरीब आदमी बैठेगा ट्रेन में? बैठेगा? उसकी उसकी टिकट देखिए, उसका प्रोसीजर देखिए। प्राइवेटिज्म के बाद तो आदमी अपने निजी तरीके से चलाएगा ट्रेन को, गरीब आदमी की कहाँ सुन रही है सरकार। नमस्कार, मैं मनोज रानी मुंडका से। आज संविधान दिवस है, आज के दिन ही हमारा संविधान लागू किया गया था, जो बनाया गया था, जो कि बाबा साहब के द्वारा बनाया गया था। आज डॉक्टर उदित राज ने यहाँ पर एक संविधान दिवस पर प्रोग्राम रखा हुआ था दलितों पीड़ितों वंचितों के लिए, जो कि गरीबों को बीजेपी और आम आदमी सरकार दिन प्रतिदिन दबाती जा रही है, उसको ऊपर उठाने के लिए डॉक्टर साहब उदित राज जी ने ये प्रोग्राम किया था। लेकिन इस प्रोग्राम को विफल करने के लिए पहले ही पुलिस आ गई और उन्होंने हमारे प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये अपने कुछ इनके जो खास मित्र हैं जो बीजेपी सरकार के हैं उनके लिए उन्होंने उनको ये सरकारी महकमे बेच दिए हैं, उनके फायदे के लिए गरीब आदमी का शोषण किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। नहीं गरीबों की बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल होती है 101% होती है ईवीएम में गड़बड़। आप ये देखिए ना कि आप जब हम क्या नाम है वोटिंग करने जाते हैं, हम अपने एरिया में घूमते हैं, हमें पता है कि कौन सी वोट हमारी है, लेकिन जब काउंटिंग होती है बिल्कुल जीरो आती है वहाँ पे। क्या हम खुद हम काउंटिंग में मैं बैठी हुई हूँ जब वोटिंग के काउंटिंग होती है। चुनाव आयोग तो मना कर रहा है ना, कहीं कोई धांधलीबाजी कोई गड़बड़ होती नहीं है, ये आरोप झूठा लगाते हैं। यहाँ तो सर जिसकी लाठी उसकी भैंस है, ऐसा कुछ मैंने खुद देखा हुआ है। मैं कह रही मैंने खुद अपनी ड्यूटी लगवाई थी और मैंने देखा भी है, और मैं सारे जितने भी ये पीछे इलेक्शन हुए हैं सब में मैं हर गांव हर कॉलोनी में घूमी हूँ, मैंने देखा है। लोगों को नजरिया भी पहचाना है कि कौन बीजेपी का है कौन आम आदमी का है, सबका देखा है। लेकिन लेकिन जब काउंटिंग होती है तब कुछ और होता है। लेकिन बीजेपी कहते हैं कि आप लोगों की हारने के बाद ये बौखलाहट है, आप लोग बौखलाहट के कारण बोलते हैं, ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं चेंज करवाती? उन्हें चेंज करना चाहिए, बैलेट पेपर से करवाए ना। अमेरिका में हो रहे हैं बैलेट पेपर से, जापान में हो रहे हैं, तो इंडिया में भी करवाए। कहीं पर भी देख लीजिए किसान आंदोलन का, देखिए हरियाणा में जाके देखिए कैसे रोका जा रहा है। आप लोग जाके आप लोग हर जगह जाते हैं देख रहे हैं, जो भी आवाज उठाता है चाहे उसे किसान आंदोलन कहिए चाहे गरीबों का आंदोलन कहिए, हर तरह से
पहले ही वहाँ पर इतनी सारी फोर्स पुलिस भेज दी जाती है कि कुछ कर ही नहीं पाते। आवाज को दबाया जा रहा है, बिल्कुल दबाया जा रहा है। तो उसका क्या है सोल्यूशन, क्या है इसका सोल्यूशन? यही है कि जो हमारा संविधान है बाबा साहब ने लिखा हुआ है, अगर उसको फॉलो किया जाए तो वही हमारे क्या नाम है कुछ भला कर सकता है। क्योंकि जिस तरह से अभी जो चल रहा है वो तो संविधान को खत्म करने पे है। वो सारे बीजेपी और के ही महामहिम है, उनका कुछ भी अपना वो नहीं है। वो जैसे भी जैसे उनको कहा जाता है आगे, ये सब ऐसा नहीं है। बीजेपी और आम आदमी आजकल हर किसी को खरीदने पे तुला हुआ है। बात बताइए आप, और किस लिए संविधान को बचाओ, संविधान को बचाओ की रट लगी है? क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, एक आम आदमी आके बोल नहीं सकता है। एक सरकार तो आप ये बताइए, आज के ही वाक्य को देख लीजिए, अगर कोई शांति पूर्वक प्रदर्शन कर रहा है तो ये तो इलीगल नहीं होता है? उससे पहले ही उसको दबा दिया जाता है कि यू विल, तो है ना सर, कोविड है, कोविड की प्रिकॉशन रखते हुए हो रहा है ना, कोविड की प्रिकॉशन रखते हुए हो रहा है। उन लोगों की कैसे सारे इवेंट्स हो जाते हैं और इन लोगों की इवेंट्स को कैसे रोक दिया जाता है? उनके सारे इवेंट्स होते हैं, बिल्कुल तानाशाही रवैया है। आप ये बताइए, जो किसान है, आप छोटे से छोटे मुद्दों को देखिए, किसान तो बेचारे कुछ भी नहीं है ना। प्रदर्शन करने का, प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है, अपने अधिकार, अपने सारी अपनी डिमांड्स रखने का अधिकार सबको है। अपने जो कानून बना दिए, बस हमने जो बना दिया ठप्पा लगा दिया। आप मुझे ये बताइए, सारी मीडिया जानती है, सारा इंडिया जानता है कि कैसे ये कानून बने हैं, क्यों इसको काला कानून कहा जा रहा है? सर उस किसान से पूछिए जिसकी फसल पड़ी हुई है। सरकार को अपने बचाव में कुछ तो करना पड़ेगा ना। मैं खुद किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपने भाइयों को करते हुए देखा है सर, ठंड हो गर्मी हो, हर पल वो लोग पूरी उस 6 महीने की फसल के ऊपर वो लोग मुंह धो के रहते हैं और अंत में क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है। MSP फिनिश कर दी गई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप लोगों ने गुमराह कर दिया किसानों। सर बातों के चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं, वो मीडिया में अच्छे लगते हैं, रियलिटी कुछ और है। रियलिटी को तो दिखाया भी नहीं जाता है। सबको पता है कानून कैसे पास हुआ था, ध्वनिमत। व्हाट इज दिस ध्वनिमत, क्या था ये? सर छोटू राम जी ने जो 1938 में बनवाए थे, क्या वो गलत थे? वो गलत नहीं थे। जो गलत है उसको प्रूफ करने के लिए सब लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गए हैं, बिल्कुल जोर शोर से लगे हुए हैं। और किसी लिए कह रहे हैं संविधान बचाइए, अच्छे दिन आएंगे किसानों के इन कानून। देखिए ना कितने अच्छे दिन चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, खुद देखिए आप लोग कितने अच्छे दिन चल रहे हैं, महिलाओं के लिए कितने अच्छे दिन चल रहे हैं। कुछ भी घटना हो जाए उसकी टोपी घुमा फिरा के उस महिला के परिवार पे डाल दी जाती है। आप किसी केस को उठा करके देख लीजिए। अच्छा दिन नहीं है जनता के, तो फिर वोट क्यों दे रही है जनता? जीत सर जनता वोट क्या कहा गया है कि जनता वोट नहीं दे रही है? वाकई EVM हैक है, वाकई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इतने एक तरफा सर, मैंने आपको बार बार क्या कहा, जनता को सड़कों पर उतरने का अधिकार दिया ही नहीं जा रहा है। क्यों उतरे वो, क्या करे, हाथ काटने वाली स्थिति में है भारत। सर देखिए हर चीज का घड़ा भरता है, अभी कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिलेंगे। जब ज्यादा लोग प्रयत्न करेंगे और लोगों की समझ में आ जाएगी ना, तब इसका भी अंत होगा, डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। सर मैंने आपको क्या कहा, आप एक बात मुझे बताइए, जब किसी को आवाज उठाने का, किसी को स्टेप लेने के लिए कोई रास्ता ही नहीं दिया जाएगा, विरोध में आवाज उठाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन होगा? सर कोशिश तो पूरी करेगी, वो क्या छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं? कोशिश करें, मोदी जी ने कहा बिहार में वैक्सीन बांट रहे हैं, बताओ लो सबसे पहले जी उधर के लोगों को लगेगा क्यों जी, और दिल्ली और इंडिया में जो स्टेट्स हैं उधर का नहीं है, कहाँ पे सर उन्हें ये पता है कि कहाँ पर चोट मारनी है, ये बात तो सच है, और वो वहीं पर अटैकिंग होती है। अचानक से मुद्दे खड़े हो जाते हैं, यू नो इलेक्शंस में अचानक से अलग अलग टाइप के मुद्दे खड़े हो जाते हैं। आपको नहीं लग रहा जैसा जनता चाह रही है बीजेपी सरकार वैसे ही कर रही है? नहीं सर बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप मुझे ये बताइए क्यों कंडीशन खराब हुई है दिल्ली में, क्यों दिल्ली में देखिए, बाकी राज्यों में देखिए क्यों कंडीशन इतनी खराब हो रखी है, क्यों नहीं कोविड पे कंट्रोल किया गया है? जब स्टार्टिंग में दिसंबर में कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे, मैं किसी पार्टी का नाम फिलहाल नहीं लूंगी, लेकिन आप सरकार के लिए बोल रहे हैं ना, उस टाइम पे भी दूसरी पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण लोगों ने ये इशारा जता दिया था, फिर भी विदेशियों की ट्रिप रखी गई, नहीं विदेशियों की ट्रिप रखी गई, नहीं जी अपना, हाँ जी विदेशियों की ट्रिप रखी गई कि नहीं जी हमें स्वागत दिखाना है, दिखा दिया स्वागत, अपने देश का सत्यानाश करके बैठ गए हैं वो लोग। तो वही तो मैं कह रही हूँ, जिस दिन लोगों को यकीन, मतलब ये एक बड़ी दुखद बात है कि लोगों को यकीन आने में टाइम लग रहा है, लोग ना सोशल मीडिया जो हुआ दिखाया जा रहा है ना उसकी तरफ जा रहे हैं, भक्त ज्यादा हो गए हैं लोग, अंधभक्त आई शुड से अंधभक्त। सर हवाले देने में हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं यहाँ पे। ओके।